हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं हुआ है अभी, क्योंकि रात के कितना 1:30 बजा है और ये लोग ने किसी को सोने के लिए नहीं दिया है। मैं आया हूँ लगभग जानी करके काफ़ी दूर से, और 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है सोया हुआ, और ये लोग उठा दिया। इन लोगों का आज वैसे ट्रेन है, ये लोग मतलब मेरा मॉम और दीदी लोग जाने वाले हैं देहरादून हरिद्वार और जाएगा केदारनाथ। तो फिलहाल ये लोग पहले जाएगा देहरादून और ट्रेन है राजधानी मॉर्निंग 4 समथिंग को। तो अभी हम लोग यहाँ से लगभग 45 मिनट्स का रास्ता है घर से, और ये लोग रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये है सापरमुख रेलवे स्टेशन एंट्री साइट, और ये राजधानी ट्रेन पहुंचने वाले है 4:49:50 के आसपास, और अभी टाइम हुआ है 3:29। आज अभी पहुंच चुके हैं, हम जा रहे हैं इधर से। हाँ जा रहे हैं, नहीं तुम लोग जा रहे हो, मुझे नहीं ले जा रहे तो बोलो। ये लोग जा रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ये लोग ऊपर से नीचे से आ रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। हेलो, तो हम लोग अभी स्टेशन पहुंच चुके हैं, और इस साइड में तो पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि राजधानी अभी भी आने के लिए लगभग 4:49, तो लगभग और आपका 1 घंटा के आसपास और है, तो शायद और कोई आएगा। बट यहाँ से इस स्टेशन से राजधानी में इतना ज़्यादा लोग चढ़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 2 मिनट ही यहाँ पे सिर्फ राजधानी रुकते हैं। तो हम लोग का घर का नज़दीक था ये स्टेशन, इससे सब दूर वाला जो स्टेशन है वो गुवाहाटी है मेन स्टेशन, और राजधानी हर स्टेशन में नहीं रुकता है। तो भी हम लोग पहुंच गए हैं,
तो ये लोग सब लोग जा रहे हैं कहाँ पे? केदारनाथ। अब मुझे लेके नहीं गया है, सब लोग जा रहे हैं, मुझे छोड़ के गया है अकेले। ठीक है दीशु मोबाइल अब खुली सा PDF तो खुल खाए ना खास खुली सा। वैसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत महीनों महीनों सालों में भी सालों के बाद ट्रेन स्टेशन आया हूँ, नज़ारा अच्छा लगता है काफ़ी। वैसे सुबह सुबह या रात को ट्रेन का नज़ारा, ट्रेन स्टेशन का नज़ारा काफ़ी बढ़िया लगता है। कौन सा ट्रेन आ रहा है पता नहीं, कौन सा ट्रेन है अभी, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से हर अपर और लोअर जाने वाला ट्रेन गुजरना पड़ता है, बहुत बड़ा जंक्शन है, तो यहाँ से सभी ट्रेनों को गुजरना पड़ता है जो अपर और लोअर साइड में जाते हैं, अपर असम एंड लोअर असम एंड आपका जो नॉर्थ इंडिया साइड में जाते हैं, मतलब जितना भी ट्रेन है सब यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो ये भी राजधानी ही है, ये एक मतलब अभी हम लोग का जो राजधानी है वो आने के लिए अभी भी 45 मिनट जैसा है, बट ये भी राजधानी है, बट ये राजधानी इस स्टेशन में नहीं रुकते हैं, तो हम लोगों ने फटक से सोच लिया कि यही राजधानी है। बट लास्ट टाइम एक बार यहाँ से ही गया था तो तब भी पता चला था कि एक इससे पहले भी राजधानी जाते हैं जो ये है जो यहाँ पे नहीं वेट करता, और हम लोग का राजधानी अभी आ रहा है। ये देखिए नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी, तो ये डिब्रूगढ़ से आता है नई दिल्ली तक जाता है। सर क्या हुआ है तुम्हारा, कहाँ पे जाएगा? देहरादून उत्तराखंड। तो थोड़ा टॉयलेट आ गया है, पेशाब करने लगा है। स्टेशन में एक प्रॉब्लम है क्योंकि राजधानी ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, तो 2 मिनट ही रुकता है, तो इसीलिए जो कोच का पोजीशन है उस पोजीशन तक जाके रुकना पड़ेगा। वैसे कोच का पोजीशन तक रुकने से भी कोई फ़ायदा नहीं अगर कोच का दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग का एक बार क्या हुआ था, कोच का दरवाज़ा ही नहीं खुला था, हम लोग जिस कोच में मतलब चढ़ने वाले थे, बाद में हम लोग कहीं दूसरा कोच में उतना पड़ा था, और जो रेलवे पुलिस है उन लोगों ने व्हीसल मार के हम लोग के लिए ट्रेन रुकना पड़ा था, और ज़्यादा टाइम क्योंकि 2 मिनट ही रुकता है, उस समय में हम लोग कोई भी कोच का दरवाज़ा जितना भी ट्राई किया था खोल नहीं पा रहा था। तो अभी कोच का पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पर है, B4, तो B4 में है, तो B4 यहाँ पे आ जाएगा, B4 यहाँ पे दिख जाएगा जब प्लेटफॉर्म 1 अभी दिखा रहे हैं, सब में प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे कोच का पोजीशन जब ट्रेन आने से पहले यहाँ पे शो हो जाएगा, तब उसे पोजीशन में रुकना पड़ेगा। कहाँ पे होगा पता नहीं, स्टेशन काफ़ी प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है एकदम आगे तक। कितना है सर? 0405। हाँ तो कितना टाइम हो गया? मुझे नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता? कितना टाइम है, कितना टाइम हुआ है? 4:05 हुआ है और ट्रेन पहुँचेगा 5:02 को। 4:05 हुआ है और ट्रेन पहुँचेगा 5:02 को, तो 4 के जगह 5 होगा और 05 के जगह 02 होगा, 5:02, और यहाँ पे हुआ है 4:06। ठीक है रख पेंचे सीडो, ये लो खा लो ना। क्या खाना है? डार्क पॉपकॉर्न। तो कहाँ कौन खिलाएगा पॉपकॉर्न? मतलब सुबह सुबह कोई पॉपकॉर्न नहीं खाएगा। ठीक है गाड़ी को थोड़ा चेक करने के लिए आ गई, देखिए इसको ट्रेन यहाँ पे नीचे पे खड़ा कर दिया है। ये बहुत बड़ा एरिया है स्टेशन के बाहर, एक बार चेक करने के लिए आ गया है। 1, 2, 4, 2, 3 1, 2, 4, 2, 3 हम लोग का 1, 2, 4, 2, 4 1, 2, 4, 2, 3 खन इफेले पा आहिबो दिल्ली पर, 1, 2, 4, 2, 4 खन इफेले पा जाबो।
तो फाइनली ट्रेन चल चुका है धीरे धीरे। लास्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमेशा होता है साबरमती स्टेशन में, जो इक्सिगो का ट्रेन ऐप है उसमें अपडेट दिखा रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगा, तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा थे, बट अभी आया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और राजधानी का ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है, सिर्फ 2 मिनट रुकता है और सब बोगी का सब कोच का दरवाज़ा हमेशा ऑफ रहता है। तो जो हम लोग का डिब्बा था वो B4 था, ये B8 है और B4 बहुत आगे है, और हम लोगों को B11 में ही उन लोगों को चढ़ना पड़ा क्योंकि दरवाज़ा मैक्सिमम का ऑफ था। तो फाइनली हो गया, ट्रेन जाने वाला है। ये देखिए प्लेटफॉर्म 1 में आने वाला ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 पे आया है, और अभी हम लोग अपना जो बोगी है कोच है उसमें चढ़ ही नहीं पाया क्योंकि मैक्सिमम बोगी और कोच का दरवाज़ा ऑफ रहता है, अंदर से लॉक रहता है, ये राजधानी का एक बहुत बड़ा दिक्कत है। ये B5 है और B4 वो है, बहुत आगे बोले बहुत आगे है बोले। ये है B4 तो हाँ, तो अभी B4 में ही B4 का बोगी में ही एक टीटी था, तो उनसे उन्होंने पूछा कि कोई लोग उतने वाला है क्या, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं उतने वाला था B4 में, 39 और 47 से इतना बड़ा था, बट दरवाज़ा मैक्सिमम बोगी का ऑफ होने के कारण B11 में ही उठ गया और टाइम कम होता है इसीलिए, तो उन लोग उसने बोल लिया। बाकी रेलवे पुलिस एक ने भी पूछा कि आप लोग का कोई उठने वाला है, तो हम लोगों ने बोला हाँ उठ लिया है वो। तो वही है राजधानी का एक प्रॉब्लम इस स्टेशन में। वैसे बड़ा स्टेशन, जो ये भी बड़ा स्टेशन ही है, जंक्शन है, सप्रमुख जंक्शन है ये, गुवाहाटी में जो होता है वो काफ़ी देर रुकता है तो वहाँ पर उठने के लिए अच्छा होता है, बट यहाँ पर इतना मतलब टाइम नहीं मिलता उठने के लिए। मतलब एक दीदी और मॉम चले गए, अभी बड़ी दीदी और उनकी बेटी और मैं अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और एक दीदी और मॉम ट्रेन में चढ़ गए चले गए, तो अभी हम लोग फिर से घर जाने वाले हैं।